मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे जानता था, कुछ लोग जानते थे, बट आज मुझे पूरा भारत जानता है, भारत की जनता जानती है, स्पेशल मुझे मम्मियाँ, सास, ननंद, सब लोग, भाभियाँ, सब लोग जानती है। तो मैं बिग बॉस में आने के बाद इतना सारा जनता का प्यार लेके जाना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अब मैं जब अंदर थी ना तो मेरे अंदर एक गलत फहमी थी कि मेरी छीछा लेदर हो गई है तो पता नहीं कोई मुझे प्यार कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बट जब बाहर आके निकली हूँ, फीडबैक मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। मैं सलमान सर का थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि सलमान सर की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, टॉप फोर में हूँ। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपना टैलेंट या मेरे अंदर जो था मैंने वो चीजें दिखा पाई। आप कहाँ चुप हो गया जिसके लिए हारी है, रैंकिंग आपको चुप होने लग रहा है, कहीं चुप हो गया आप? नहीं, ये सारा चीजें ना जनता पे है, तो मुझे लगता है जनता ने मुझे टॉप फोर के लिए चुना होगा, तो शायद मैं टॉप फोर हूँ। बट हाँ, जो मैंने सोचा था, मैंने टॉप फोर नहीं सोचा था, मैंने सोचा था शायद मैं टॉप टू या टॉप थ्री तो रहूंगी, बट शायद कुछ कमियां रही होंगी लगता है, जो मुझे नहीं पता चली। मुझे जब बाद में पता चलेगी, जब मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी और उस चीज को मैं सुधारूंगी, जैसे सलमान सर ने भी मुझे बहुत सारी चीजें बताई हैं, उन्होंने बड़े होने के नाते मुझे बहुत सारी चीजें बताई और उसमें मैंने काम भी किया। बट क्या होता है कि जब आप अंदर रहते हो ना 4 महीने, तो आपका दिमाग पता नहीं चलता कि क्या आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, पता नहीं, बट मैंने कोशिश की। जैसे मंडली ही आखिरी में जीता, जिस मीडियो बोल के गया था, एक बगल में होना चाहिए, वही हुआ जो बोल के गया था, क्या बोलना चाहिए? नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा हो गया और मुझे बहुत खुशी है कि एमसी स्टैंड ट्रॉफी जीता है, क्योंकि वो एक रियल सोल था और जो जैसा भी था कि भैया हाँ मैंने अभी देखा तो अभी सीखा है, मुझे नहीं पता ये गेम, बट जो था वो ओरिजिनल था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने ट्रॉफी ली। कहते ना आखिरी बॉल पे छक्का कौन मारता, वो पूरे मैच का मैच ऑफ द विनर होता, तो भैया उसने मार दिया, हम रह गए हैं। आखिरी सवाल, बिग बॉस से क्या अच्छाई लेके जा रहे हो, क्या बुराई छोड़ के जा रहे हो बिग बॉस में? मैं अच्छाई लेके ये जा रही हूँ कि आपको दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुननी है। अगर आप दिल की सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत हो सकते हो। ये चीजें मैं बाहर लेके जा रही हूँ और जो मैं चीजें छोड़ के जा रही हूँ, जैसे किसी पे मुझे बहुत गुस्सा था, मतलब जब मैं बिग बॉस से पहले आई थी तो मुझे बहुत गुस्सा था, तो मैं अपना गुस्सा और एग्रेसिव होना और कभी कभी मैं कुछ गलत बोल देती थी, वो सब मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, बट अब मैं यहाँ से प्यार ही लेके जा रही हूँ। आखिरी सवाल, सबसे पहले आप जब यहाँ से निकले किससे बात करते घर वाले? मेरी मम्मी पापा बैठे हुए थे, तो मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकली, मेरी मम्मी अंदर आई थी, तो मैंने मम्मी को